नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। हिंसा की आशंका थी और ये हुई भी। 3 नवंबर को ही यह तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जिद्दी डोनाल्ड ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनावी धांधली के आरोप लगाकर जनमत को नकारते रहे, हिंसा की धमकियां भी दी। वॉशिंगटन में हिंसा के बीच फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो साइट से हटा दिया है। इस वीडियो में ट्रंप अपने समर्थकों को संबोधित करते दिख रहे हैं। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ऐसा करने से हिंसा में कमी लाने में मदद मिलेगी। वहीं ट्विटर ने भी ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के कारण हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है कि मृतकों की बढ़ती संख्या के कारण ताबूतों की कमी पड़ने लगी है। यहां कोरोना से होने वाली मौतें 120% बढ़ गई हैं। देश कोरोना वायरस का नया प्रकार आने के बाद नई चुनौतियों से जूझ रहा है। रोजाना मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को यहाँ 422 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 15,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए थे। भारतीय मूल के एक युवक को ब्लैकमेल, ताकझाक करने और साइबर अपराध के लिए एक ब्रिटिश अदालत ने 11 साल कैद की सजा सुनाई है। युवक पर 574 लड़कियों व युवतियों के कंप्यूटर अकाउंट हैक करने के बाद उनका शोषण करने का दोष साबित हुआ है। बासल डॉन क्राउन कोर्ट ने उसे 11 साल की कैद, 5 साल गंभीर अपराध निवारण आदेश और 10 साल तक उसका नाम यौन अपराध रजिस्टर में दर्ज रखने की सजा सुनाई है। भारत और इसराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोनों देशों ने अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया है। इसका मकसद शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में दिखने को मिल रहा है। दुनिया में हर रोज कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का ग्राफ ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन को एडवांस में खरीदने की होड़ मची है। वहीं यूरोपीय संघ के देश कोरोना संक्रमण की उच्च दर और टीकाकरण की धीमी रफ्तार से जूझ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसजीपी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप